चलिए और पहले नतीजे आने बस कुछ ही देर में शुरू हो जाएंगे, रुझान आने, माफ कीजिएगा नतीजे नहीं, पहला पोस्टल बैलेट जो है वो गिना जाएगा और शुरू हो चुकी है इस वक्त काउंटिंग, मतगणना शुरू हो चुकी है, कुछ ही देर में पहला रुझान आ जाएगा, न्यूज नेशन सबसे पहले आपको दिखाएगा। और आपको बता दें सबसे पहले शुरुआत के जो आधे घंटे होते हैं वो पोस्टल बैलेट जो है, माना जाता है कि 15 मिनट जो है पोस्टल बैलेट को दिए जाते हैं, लेकिन अभी अनुराग इस वक्त में वो भी स्टेट इलेक्शन में पोस्टल बैलेट की तादाद क्या बहुत ज्यादा होगी? तो देखिए ये यहाँ पर अब आप देख रहे हैं जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और बस कुछ ही सेकंड के अंदर अंदर जो पहला रुझान है पोस्टल बैलेट का वो आपके स्क्रीन पर होगा। इस वक्त आप जो न्यूज नेशन की स्क्रीन देख रहे हैं इसमें आपको चारों तरफ वो चार राज्य भी नजर आ रहे हैं जहां के नतीजे आ जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए नतीजे आएंगे, राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 199 विधानसभा सीटों के लिए, छत्तीसगढ़ में 90 सीट और नीचे जो आप टैली देख रहे हैं वो तेलंगाना की है जहां पर 119 सीटों के लिए विधानसभा का चुनाव हुआ है। तो 638 विधानसभा सीट जिनके शुरुआती रुझान बस अब से कुछ ही मिनट के अंदर आपके स्क्रीन पर नजर आने शुरू हो जाएंगे। और जो शुरुआती ट्रेंड होता है ऐसा कई बार देखा गया है कि वही ट्रेंड आगे नतीजों में भी तब्दील होता है। लेकिन अनुराग जिस तरह से एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि क्लोज फाइट है, छत्तीसगढ़ में एज जो है वो कांग्रेस को है लेकिन क्लोज फाइट वहां भी है, कुछ कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में भी क्लोज फाइट है, तो यहां पर देखना दिलचस्प होगा राजस्थान छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अगर वो क्लोज फाइट होती है तो रुझान बहुत तेजी से बदलते भी जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर बता रहे थे कि कई जगह 22 राउंड तक भी, मतलब इतनी ज्यादा वहां पर वोटरों की तादाद है कि 22 राउंड तक भी काउंटिंग जो है वो पहुंचती है, तो जो नतीजे आते हैं उनमें वक्त लग जाता है, लेकिन शुरुआती रुझान और अगर नेक टू नेक फाइट नहीं होती है, जीत का अंतर अच्छा होता है, तो वहां पर स्थितियां जो है वो बहुत ज्यादा साफ हो जाती है। 10:30 बजे के बाद जो है वो स्थितियां जो है बहुत साफ हो जाती है, लेकिन रुझान जो है वो काफी कुछ तय कर देगा। ईवीएम की जो पेटी है वो निकलनी शुरू हो चुकी है, स्ट्रांग रूम से ईवीएम की पेटी को निकाला जा रहा है, उन बक्सों को निकाला जा रहा है और जो काउंटिंग का जो सेंटर है वहां पर ईवीएम मशीन पहुंच चुकी है। साथ ही साथ अलग अलग राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता नियुक्त किए जाते हैं एजेंट के तौर पर वो वहां पर मौजूद हैं, तमाम जिला प्रशासनिक अधिकारी सरकारी अमला वहां पर मौजूद है। स्ट्रांग रूम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर है क्योंकि 8 बजे से तो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। अब से थोड़ी देर पहले जब स्ट्रांग रूम से ईवीएम को निकाला गया वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए इस तरीके से एक सुरक्षित कमरे से ये ईवीएम मशीनों को निकाला जाता है। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, विकास चंद्रा हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजकिरण हमारे सहयोगी हैदराबाद से हैं, जयपुर से हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय से सैयद आमिर हमारे साथ बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रुझान आने शुरू हो गए हैं। राजस्थान में बीजेपी के खाते में एक जो है एडवांटेज मिलती दिख रही है, लेकिन ये पोस्टल बैलेट है, फिर से बता दूं ये बहुत ही छोटा नंबर है, तो लेकिन राजस्थान में ये भी जो रुझान आए हैं उसके मुताबिक 3 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर 1 सीट पर पहले बीजेपी आगे चल रही थी, दूसरा रुझान किसके खाते में, कांग्रेस के खाते में जा रहा है, और छत्तीसगढ़ में अभी 1 रुझान आया जिसमें कांग्रेस जो है वो आगे दिख रही है। तो रुझान जो है ये अभी फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये सिर्फ पोस्टल बैलेट के हैं, ईवीएम की गिनती अभी शुरू होगी, हालांकि अनुराग अगर हम गलत नहीं तो जहां पर पोस्टल बैलेट नहीं पहुंचे होंगे वहां पर तो ईवीएम की गिनती शुरू हो गई। जी बिल्कुल, और देखिए शुरुआती रुझान 6 सीटों के आए हैं 3 अलग अलग राज्यों के, 6 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और हर बीतते सेकंड के साथ रुझान की टैली तेजी से बदलती जा रही है। मध्य प्रदेश में 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस, छत्तीसगढ़ में 1 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस, और राजस्थान की 199 सीटों में से 3 सीटों पर बीजेपी जबकि 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। तो इस वक्त 11 विधानसभा सीटों के शुरुआती रुझान आपके स्क्रीन पर।